हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लिट दैट टैग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में देखो कि आप थंबनेल कैसे बना सकते हो। जैसे कि फ्रेंड हम लोगों को पता है, अपने वीडियो में थंबनेल लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आपके वीडियो का कंटेंट जितना ही अच्छे क्यों ना, अगर आपका थंबनेल एट्रैक्टिव प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर आपके वीडियो में व्यूज आने के चांस बहुत ही कम होता है। इसलिए फिर आपका जो थंबनेल है, थंबनेल को बहुत ही एट्रैक्टिव और प्रोपोर्शनल तरीके से बनाना चाहिए ताकि फिर आपके वीडियोज में व्यूज आए। तो फिर आपको किस तरीके से थंबनेल बनाना है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फिर इसके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड चले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वहीं पर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। थंबनेल बनाने के लिए सिंपली आपको जो पिक्सेल ऐप है, पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना। पिक्सेल ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू डिस्क्रिप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद सिंपली आपको जो थंबनेल है, थंबनेल का साइज को सिलेक्ट करना है। उसके लिए आपको सिंपली आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है। कस्टम पर क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पर आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह से जो थंबनेल का साइज है, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना सिंपली आपको कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप ग्रेडियंस कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो फिर इसके लिए सिंपली आपको ग्रेडियंस पर क्लिक करना है। क्लिक करने इस तरह से आप ग्रेडियंस कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिर आप जिस भी कलर को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो फिर यहाँ से बहुत ही ईजिली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर पीएनजी को ऐड कर दूँ। पीएनजी को ऐड करने सिंपली प्लस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर देना। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका जो गैलरी है, गैलरी ओपन हो जाए। उसके बाद सिंपली आपको जो भी पीएनजी है, पीएनजी को ऐड कर लेना है। जैसे ही पीएनजी पर क्लिक करो, तो फिर इस तरह से आ जाए। उसके बाद सिंपली आपको नीचे राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करना, सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, सेम इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर देना। आप जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहते हो, तो फिर आप उसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद सिंपली इसको लॉक कर देना। लॉक करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना। जैसे भी आप इस पर क्लिक करें, तो फिर ये जो है लॉक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप जो भी अपने फोटो को ऐड करना चाहते हो, तो फिर सिंपली यहाँ पर आपको फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करें। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने में सिंपली आपका जो भी फोटो है, फोटो को ऐड कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं अपना जो फोटो है, फोटो को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही फिर आप फोटो पर क्लिक करें, तो फिर देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर आप क्रॉप करना चाहते हो, तो फिर इस तरह से इजिली क्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको नीचे राइट के ऑप्शन को देखने को मिले, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने में सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली आपका जो फोटो है, फोटो को भी लॉक कर देना। फोटो को लॉक करने के बाद सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको शेप पर क्लिक कर देना। शेप पर क्लिक करना देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करना सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, सेम इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आपको टू बैक का ऑप्शन को देखने को मिल जाए, सिंपली आपको टू बैक पर क्लिक कर देना। जैसे फिर आप टू बैक पर क्लिक करें, तो फिर इस तरह से बैक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको सिंपली लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब वीडियो में थंबनेल कैसे लगा, तो फिर सिंपली यहाँ पर आपको लिखने के लिए ए पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करना सिंपली आपको न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप कर देना। डबल टैप करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक देना। कलर पर क्लिक करने बाद इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। इसको सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद अगर इसका फोन को चेंज करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक कर देना है। फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फोन को देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ से आप कोई भी फोन को ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर थंबनेल पर क्लिक कर देता हूँ। थंबनेल पर क्लिक करने के बाद इसका भी मैं जो कलर है, कलर को चेंज कर देता हूँ। तो फिर इस तरह से आप जो भी कलर को चेंज करना चाहते हो, तो फिर इस तरह से आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको फोन पर क्लिक कर देना। फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फोन को देखने को मिल जाए, सिंपली यहाँ से आप कोई भी फोन को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली इसको भी इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपको फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसका भी अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक कर देना है। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए, सिंपली यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। इसको सिंपली आपको फ्रंट पर क्लिक कर देना। फ्रंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जो भी फ्रंट को ऐड करना चाहते हो, तो फिर सिंपली यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक पर क्लिक कर देना। इसको सिंपली इसको एनेबल कर देना। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए, तो फिर यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। इसको सिंपली आपको
राइट पर क्लिक देना। राइट पर क्लिक करने पर देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसको सिंपली इसको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक थंबनेल को ऐड कर लो। थंबनेल को ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको फॉर्म गैलरी पर क्लिक कर देना। फॉर्म गैलरी पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका जो भी थंबनेल है थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से एक थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने थंबनेल को सिलेक्ट कर लूँ इस तरह से आ जाएगा। उसको सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉ का ऑप्शन को देखने को मिले। सिंपली आपको ड्रॉ पर क्लिक करना है। ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना। राइट पर क्लिक करने सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको थोड़ा सा आपको इस तरह से आपको बड़ा कर लेना। बड़ा करने सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको टू बैक पर क्लिक करना है। टू बैक पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये जो है नीचे चला जाएगा। उसके बाद सिंपली अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली मैं थंबनेल पर क्लिक कर दूँ। थंबनेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक का ऑप्शन को देखने को मिल जाए। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो ये देखने में बहुत ही एट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लग रहा है। तो फिर सेम इसी तरीके से मैं और एक थंबनेल को ऐड कर लेता हूँ। थंबनेल को ऐड कर लेना। थंबनेल को ऐड करने के बाद सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली मैं नीचे कॉपी के ऑप्शन को देखने को मिले। सिंपली मैं कॉपी पर क्लिक कर दूँगा। कॉपी पर क्लिक करने सिंपली इसको जो है मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अगर इसका कलर को चेंज करना चाहते हो तो फिर सिंपली आपको कलर पर क्लिक कर देना है। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर को देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको राइट पर क्लिक कर देना है। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टू बैक का ऑप्शन को देखने को मिले। सिंपली आपको टू बैक पर क्लिक करना। जैसे मैंने टू बैक पर क्लिक किया तो फिर देख सकते हो ये बैक हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको जो थंबनेल है थंबनेल पर क्लिक करना है। थंबनेल पर क्लिक करना सिंपली यहाँ पर आपको स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली इसको एनेबल कर देना। एनेबल करना सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये देखने में बहुत ही एट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लग रहा है। तो कैसे इस तरह से बहुत ही इजीली थंबनेल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई भी और पीएनजी को ऐड करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आप इजीली ऐड कर सकते हो। तो फिर सिंपली मैं और एक पीएनजी को ऐड कर लो। पीएनजी को ऐड करने के लिए सिंपली आपको प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फॉर्म गैलरी पर क्लिक करना है। फॉर्म गैलरी पर क्लिक करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से एक पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही फिर आप पीएनजी पर क्लिक करोगे तो फिर इस तरह से आ उसको सिंपली आपको राइट पर क्लिक करना है। राइट पर क्लिक करना सिंपली इसको जो है इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो फिर सिंपली इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली मैं इसको एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपली इसको जो है मैं यहाँ पर नीचे इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो फिर इस तरह से बहुत ही ईजिली आप अपने मोबाइल से थंबनेल बना सकते हो। उसके बाद इसको सेव करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है। कस्टम पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको अल्ट्रा को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आप सेव टू गैलरी पर क्लिक कर दें तो फिर आप गैलरी में सेव हो जाएगा। तो कैसे इस तरह से बहुत ही ईजिली आप अपने मोबाइल से थंबनेल बना सकते हो।